फैमिली कैसे हैं आप सब, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो गाइस इनकी मम्मा मार्केट गई हैं, ये सो गए थे, लेकिन ये कार्तिक और ऋषभ ना बाबू को मिलकर हल्ला मचा कर उठा दिए हैं और बेड पे इनको छोड़ने लायक बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आप लोग को हमारे परिवार की तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो शाम का टाइम है, बर्तन वर्तन धोना है, तो भाभी ने अपने बच्चों को सुला दिए है। तो हमने सोचा भाभी आप बच्चों को देखो, बाबू को मतलब कृतिक को, लल्लन को, पल्लन को, जो भी इनका नाम है, तो देखिए। लेकिन इनको जब देखे तो भाग रहे हैं बहुत तेजी से, और इनका मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ क्या दशा हुआ है। तो इनकी मामी इनको बोली पैर बांध के रखोगे तो पकड़ के रखे रहेंगे, और कपड़ा उधर रखे भाग नहीं पाएगा बाबा हमारा। ऋषभ पकड़ रखा है, देखो पैर बना हुआ है ऐसे। ऋषभ का भी हम करते थे, ऋषभ का भी करते थे। तो चलिए गाइस इनको खिला लेते, रो रहे हैं। तो ये देखिए पतिदेव राशन लाए हैं, यहाँ पे रखा हुआ है। कपड़े जो धुले थे सब उतार के इस पे रखे और फोल्ड करके रख दिए थे। और ये मैं राइस खाती हूँ, चैंपियन किचन चैंपियन मोगरा का बासमती राइस, हेमा मालिन छपी हुई है। और इधर हमारा सारा मेकअप का सामान वगैरह रखा हुआ है, और मंदिर हमारा चल रहा है। तो चलिए गाइस ये क्या है, खाली खाली डब्बे सब कुछ रखा हुआ है। तो चलते हैं किचन की तरफ, किचन में भी बहुत सारे काम वगैरह जो करना है। तो फैमिली किट्टो अमित मेरा लल्लन पल्लन चले गए अपने घर, और जाना था क्योंकि मम्मी घर पे अकेले थी और काम भी था। और बाबू को इंजेक्शन लगवाने आए थे, इसके सिलसिले पे आए थे, तो हमसे भी मुलाकात हो गई, बाबू को भी खिला लिया। अब सोनाक्षी अपने बर्थडे, तुम पढ़ो लिखो बन के कुछ दिखाओ हमारे लिए, वही गिफ्ट है। तुम मम्मी को सरप्राइज गिफ्ट है ना, कुछ पढ़ के बनो। तुम मेरे बर्थडे में क्या दोगी? तुम्हारे बर्थडे में हम पैसा खर्च करेंगे, यही तुम्हारे लिए गिफ्ट हो गया और क्या। नहीं अलग से गिफ्ट चाहिए। तो पतिदेव भी आ गए हैं ड्यूटी से, हारा हारा हार के खरारा कह के। तो राशन वगैरह खत्म था, तो बोरी में लेकर लाए हैं, रखा हुआ है सब। ये औरत इतनी आलसी है, इसको मैंने सुबह फोन किया, बता के भी गया कि घर में क्या नहीं है क्या नहीं है, मैसेज कर देना मुझे व्हाट्सएप पे। फिर ड्यूटी पे कॉल किया, फिर शाम को कॉल किया, फिर रात को कॉल किया, लेकिन सो रही हूँ, थक गई हूँ। पता है हमको इसलिए नहीं करे, आप फोन किए तो हम क्या क्या बताए, दो चार सामान बता दिए, कहे तुम चार दिन से यही सामान रटी हो, दुकान पे जाओ समझ में आता है क्या क्या घटा है। अब कितना हम बताए कि ये सामान है, वो सामान नहीं, ये सामान नहीं, बहुत सारा सामान है अभी जिसमें सब। तो जाएगा तुम ही लेके आएगा ना, तुम तो भरोसे क्यों बैठी रहती है। बगल में कोई है नहीं अच्छी दुकान, ना सब लोकल दुकान है। तो ये आ गए हैं, और फिर रात हो गई थी खाना बनाने। मैं गया ही कब वो तो मेरे ब्लॉग में आएगा, मैं गया था वही बात हो गई। फिर रात को बोले पोहा बना दो, तो मटर लाए थे, हम सोचे कि जो छीले छिलान वाला मटर नहीं आता है, इतनी गर्मी है समझ में नहीं आ रहा खाना। बस वही आए, कोई सब्जी खाते नहीं हमने। हमने सोचा कोहड़ा का सब्जी, अब पूरी बना लेते हैं, ये सब सब्जी खाते नहीं, तो इनकी वजह से हमें भी यही सब जिंदगी जी। हम जो खाते हैं ये नहीं खाते हैं, हम सब खाते हैं। गोभी खाओगे ले आए, गोभी तुम्हारे बच्चे नहीं खाएंगे, कटहल खाओगे ले आए। तो बोले पोहा बना दो, चलो ठीक है बना देते हैं। और सोनाक्षी का बर्थडे को लेकर बहुत डिसाइड हो रहा है, हम लोग सोच रहे थे घर पे बनाने की, लेकिन आप लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं सोनाक्षी का बर्थडे अच्छे सेलिब्रेट करिए। केवल आप लोग के वजह से मैं सोनाक्षी का बर्थडे बाहर मनाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं तो मैं घर में ही मना लेती, क्योंकि मुझे पता है कोई क्या पता अपना तो बर्थडे बाहर तुम जिद। हाँ यही बात है ना, एक बार मैंने अपना बाहर मना लिया, एक बार इनका मैंने मना दिया, एक बार ऋषभ को मना दिया, तो लोगों को ये लगता है कि तुम सोनाक्षी से प्यार नहीं कर, सही में नहीं करती है। हाँ नहीं कर, बिना करे इतनी बड़ी हो गई हो। आए बच्चे तो बच्चों को जितना प्यार मिल जाए ना, बोलते ही है प्यार नहीं मिला है। पैसा जो लेके जाते हो स्कूल में खाती हो कहाँ से आता, जब से किचन घर से आए हैं ना, हम लोगों को पता है एक रुपए मिलता था, और क्या दो तीन ऋषभ के लिए नहीं, देखो ऋषभ के लिए तो लंच बनाकर देते हैं, सोनाक्षी को दो तीन दिन से नहीं दे पा रहे हैं, और बीच में कभी कभी नहीं दे पाते हैं, उसके लिए स्कूल में कैंटीन वहाँ से खा लेती है, क्योंकि ऋषभ अरे कुछ खाता नहीं, उसके लिए जो पसंद है। हम एक दो रुपए लेके जाते हैं, आज के बच्चे को 10 रुपए दो, तो पहले 10 रुपए। तो बहुत सब कुछ ऐसी जो है, क्या क्या शेयर करे, जो भी शेयर करे उतना ही कम है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने मटर प्याज को
अरे छौंक दिया है, हल्का सा लाल होगा जो पोहा बनाएंगे। धनिया भी लाए, धनिया मजे के ला दिए हैं। और मटर छील के देख सकते हैं, छिलका नीचे पड़ा हुआ है, फंस कौन के रहा है। तो बस आप लोग की वजह से हमें सोनाची का बर्थडे बाहर मनाने का मतलब की तैयारी कर रहे, नहीं तो सोचे थे घर में ही कर लेते हैं। और घर में करने के लिए 10-12 लोग तो है ही, उतना ही बहुत है। और फिर सोचते किसको बुलाएं किसको न बुलाएं, क्योंकि अभी तो सब लोग आए थे, कोई आएगा भी नहीं। और मैं किसी को इतना प्रेशर भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर कोई दूर से आएगा तो टाइम निकाल कर उस समय भाई बहुत कुछ ऐसा होता है जिनके साथ सिचुएशन इतना आना जाना जल्दी नहीं हो पाता है। अब भगवान हमको खूब बढ़िया सा अपना आशीर्वाद बनाकर रखे कि हम भी अपना घर द्वार ले, फिर सबको उसमें बुलाएंगे। अभी तो बच्चे वाली बात है, जो आ गया मौके पे, जो रुक गया वो शामिल हो जाएगा। मैंने किसी को इतना प्रेशर भी नहीं डाला था कि स्पेशली मेरे सोनाक्षी के बर्थडे के लिए आप रुक जाइए। तो सोनाक्षी बोली, मामी आप आई हैं, मामा कभी हमारे बर्थडे में शामिल नहीं हुए, तो इस बार थोड़ा सा आप मेरे साथ रह लीजिए। तो सुना, फिर उसके मामा मेरे भाई को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जाने के लिए, तो उनको कार्तिक का पेपर भी हाँ टेस्ट। खैर तुम्हारे बात में मामा रुके हैं, हाँ तो इसके वजह से वो रुक गए, नहीं तो वो चले जाते और फिर कहाँ मौका मिलता है। तो हम कहे कि चलिए कोई बात नहीं, फिर अगले बार देखते हैं। बस भगवान आशीर्वाद ऐसे बनाए रहे, खूब बड़ा सा प्रोग्राम फाड़े जो सबको अपने सब फैमिली वाले को बुलाऊं, 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन जिसका जितना दिल करे रहने का। क्योंकि बुलाने का मतलब नहीं भाई, हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम लोगों को बुलाकर बैठाएंगे कि अभी कल ही भैया भाभी आ गई, इसी रूम में सोना धोना खाना पीना सब कुछ था। और भाई उस रूम में तो बहुत गर्मी होती है, गर्मी में किसी को इतना हमको पैसा नहीं है कि हम 10 AC घर में लगवा लें। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। हम सोचते कि हमारे घर कोई भी आए हंसी खुशी जाए और कोई नाराजगी नहीं, बस ऊपर वाले का थोड़ा सा कमी है जो हम इकट्ठा सबको शामिल नहीं कर पा रहे हैं। जब ऊपर वाले का हाथ रहेगा तो सबको शामिल करेंगे। और बस क्या क्या, कभी कभी तो मैं कुछ ज़्यादा बोल देती हूँ, अगर कहीं ज़्यादा बोली होंगी तो फैमिली समझ कर, अपना बच्चा बेटी जो भी समझ कर, भैया भाभी जो समझ कर माफ़ कर दीजिएगा। तो ये वाला ब्लॉग यहीं से हम सोच रहे हैं एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज बस आप लोग से पकड़ पकड़ खूब बातें कह रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस फेसबुक पे मुझे ज़रूर आप लोग फॉलो कर लीजिए, वंदना किट्टू ब्लॉग के चैनल के नाम है। और इंस्टाग्राम पे लाइक वंदना है, सोनाक्षी का यूट्यूब पे 2 लाख करी है। सोनाक्षी बर्थडे का गिफ्ट आप लोग से चाहिए, 2 लाख लो, 2 लाख। चलिए तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपने घर में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।